नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर भोपाल से है। निकाय चुनाव में बांटा गया शराब, वार्ड 51 में शराब बांटते पकड़ा गया कार्यकर्ता। पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगे हैं। प्रचार थमने के बाद बांटा जा रहा था ये शराब, बाबा नगर के रहवासियों ने शराब बांटते पकड़ा। तो प्रचार थमने के बाद शराब बांटी जा रही थी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बाबा नगर के रहवासियों ने शराब बांटते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस पर कार्रवाई ना करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। भोपाल से खबर, निकाय चुनाव में शराब बांटने की ये खबर आ रही है। वार्ड 51 में शराब बांटते ये कार्यकर्ता पकड़ा गया, पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगे हैं। तो प्रचार थमने के बाद शराब बांटी जा रही थी, तो बाबा नगर के रहवासियों ने शराब बांटते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। भोपाल से एक खबर, निकाय चुनाव में बांटी गई है शराब, वार्ड 51 में शराब बांटते इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। तो कल निकाय चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके बाद प्रचार के बाद इस तरह की करतूतें सामने आई हैं। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां एक बोरी में शराब की बोतलें पाई गई हैं। वार्ड 51 में शराब बांटते ये कार्यकर्ता पकड़ा गया, पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप भी लगे हैं। तो कल से निकाय चुनाव की वोटिंग है, जिसके चलते अब प्रचार थम गए हैं और प्रचार थमने के बाद ही ये घटना सामने आई जहां एक व्यक्ति निकाय चुनाव में शराब बांटते हुए नजर आया। जब प्रचार थम गया उसके बाद शराब बांटते हुए नजर आया, शराब का लालच देकर वोट मांगने की ये बड़ी घटना। पुलिस पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगे हैं। प्रचार थमने के बाद ये शराब बांट रहा था, जिसको लोगों ने शराब बांटते हुए पकड़ा। बाबा नगर के रहवासियों ने इन्हें शराब बांटते हुए पकड़ा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव में शराब बांटने की ये खबर सामने आ रही है। वार्ड 51 में शराब बांटते ये कार्यकर्ता पकड़ा गया, आपको तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई ना करने के ये आरोप लगे हैं। प्रचार थमने के बाद ये शराब बांट रहा था, जिसके बाद लोगों ने रहवासियों ने बाबा नगर के रहवासियों ने शराब बांटते इस आदमी को पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। निकाय चुनाव कल होने हैं, पहले चरण की वोटिंग होगी। लगातार उससे जुड़ी भी बड़ी अपडेट बता रहे हैं। तो ये भी इस तरह की वारदात सामने आ रही है, जहां पर अब प्रचार थम चुके हैं निकाय चुनाव के, जिसके बाद वोट लेने के उसमें इन्होंने शराब बांटी। शराब बांटकर वोट लेने के चक्कर में ये वारदात सामने आई, जहां भोपाल से ये खबर है कि निकाय चुनाव में शराब बांटने की खबर आ रही है। प्रचार थमने के बाद इस व्यक्ति ने शराब बांटी है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ये खबर सामने आ रही है जहां प्रचार थमने के बाद शराब बांटने की खबर सामने आई। बिल्कुल, देखिए ये मामला भोपाल के वार्ड 45 की बाबा नगर कॉलोनी का है, और बाबा नगर कॉलोनी जो है वहां पर देर रात 1:30 बजे ये व्यक्ति शराब बांट रहा था, एक झोले में लेकर, शराब की बोतलें लेकर, और घर घर जाकर लोगों को बांट रहा था। इसी दौरान बाबा नगर के रहवासियों ने निहारिका इसको रंगे हाथों पकड़ा है और उसको पुलिस कंप्लेंट करते हुए पुलिस के हवाले भी किया है। लेकिन देखा गया है कि प्रचार खत्म होने के बाद और मतदान के एंड ठीक पहले, एक रात पहले या दो रात पहले, कई प्रत्याशी ऐसे रहते हैं जो भारी तादाद में शराब बांटकर लोभन देकर लोगों का मत जो है वो बदलना चाहते हैं, अपने पक्ष में वोट लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि शराब बांटने का सिलसिला लगातार कई कॉलोनी में ऐसी शिकायत पुलिस के पास, आबकारी के पास पहुंची है कि एक मुश्त बम शराब बांटी जा रही है। ब्रजेश, बड़ी कड़े इंतजाम होते हैं जब प्रचार थम जाता है, ताकि इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो सके, लेकिन इस तरह ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस पर कार्रवाई ना करने के भी आरोप लग रहे। बिल्कुल, देखिए पुलिस लगातार मुश्तैदी से काम करती है, लेकिन कई जगहों पर जो जहां पुलिस नहीं होती है उसका फायदा उठाकर जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो शराब बंटवाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि बाबा नगर में भी रंगे हाथों इसी तरह के एक युवक को पकड़ा गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस व्यक्ति की पहचान हो पाई क्या, और ये किस पार्टी के लिए ये काम कर रहा था, ऐसा कुछ सामने आया क्या?
बिल्कुल देखिए, बाबा नगर के जिन लोगों ने इसको पकड़ा है वो इसे बीजेपी का समर्थक बता रहे हैं। हालांकि उस व्यक्ति ने इनकार किया है कि वो किसी दल से जुड़ा नहीं है, लेकिन अभी पुलिस पूरे मामले की पड़ताल चल रही है। ये व्यक्ति बाबा नगर कॉलोनी के पास का ही रहने वाला था। और इनके पास से कितनी शराब की बोतलें बरामद हुई, इसकी कुछ जानकारी? बिल्कुल, इनके पास लगभग 10 लीटर शराब बरामद हुई है, और ये शराब जो थी वो क्वार्टर्स में थी, तो इसके पास करीब 40 क्वार्टर शराब बरामद हुई है। तो इस तरह की लगातार घटना सामने आ रही है, जहां प्रचार थमने के बाद शराब बांटने की ये खबर सामने आई। ब्रजेश, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।